हमेशा हमेशा के लिए यादगार और चिरस्थायी बन गया है। माननीय श्री राहुल गांधी जी हमारे कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नृत्य कर रहे हैं। साथ में है हमारा मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन पहले बघेल जी ने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का महोत्सव, डांस और म्यूजिक का फेस्टिवल किया जा रहा है और उन्होंने मुझसे पूछा अगर मैं आऊंगा। सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि अगर आदिवासियों की बात होती है तो मैं 2 मिनट में शामिल हो जाता। आ जा, आज हम आपकी, आपके नाच गाने को देखेंगे, सुनेंगे और आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो इतिहास है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझने को मिलेगा। मगर मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आज हम आपकी आवाज सुने, आपके नाच को देखें। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार में, छत्तीसगढ़ को चलाने में आपकी आवाज सुनाई दे और आपके जो विचार हैं वो शामिल किए जाएं। दूर दूर से आदिवासी भाई बहन आए हैं, युगांडा से, हिंदुस्तान के अलग 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 प्रदेशों से, बाकी देशों से आए हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है, पहला कदम है मगर बहुत अच्छा कदम है और इसे हमें और तेजी से और मजबूती से आगे ले जाना है। आदिवासियों के सामने देश में बहुत समस्याएं हैं। खुशी से मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आवाज सरकार में सुनाई दे रही है। तेंदूपत्ते की बात हो, आपको जमीन वापस देने की बात हो, मैल न्यूट्रिशन पे एक्शन लेने की बात हो, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर ने कहा जो पहले यहां हिंसा हुआ करती थी उसमें कमी आई। कमी क्यों आई? क्योंकि ये सरकार लोगों की आवाज सुनती है और विधानसभा में सबकी आवाज, एक व्यक्ति की आवाज नहीं, सबकी आवाज सुनाई देती है। देश की हालत आप जानते हैं, बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। किसानों की समस्या, आत्महत्या, अर्थव्यवस्था की हालत, बेरोजगारी, ये आप जानते हो, दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बिना सबको लिए, हर धर्म को, हर जात को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात, आप जो करना चाहते हो करो, मगर जब तक आप इस देश को जोड़ोगे नहीं, जब तक इस देश के सब लोगों की आवाज विधानसभाओं में, लोकसभा में नहीं सुनाई देगी, तब तक ना बेरोजगारी के बारे में कुछ किया जा सकता है, ना अर्थव्यवस्था के बारे में किया जा सकता है, कितना भी दम आप लगा दो। हमारा कहना है
और हर भाषण में कहता हूं, अर्थव्यवस्था को किसान मजदूर गरीब व्यक्ति चलाते हैं, आदिवासी चलाते हैं। अगर आप पूरा का पूरा पैसा 10-15 लोगों के हवाले कर दो, नोटबंदी करो, गलत जीएसटी लागू करोगे, तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। और मुझे काफी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, माताओं बहनों की बात हो, सबको हम एक साथ लेकर मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। और फर्क दिखता है, हिंसा कम हुई, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बाकी प्रदेशों से आगे बढ़ती जा रही है। तो पता लगता है, एकदम पता लगता है, 2 मिनट में पता लग जाता है। और तोड़ने से कुछ नहीं बनाया जा सकता। भाई को भाई से लड़ाकर देश का फायदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। और ये जो महोत्सव है, ये उसी सोच पर बनाया गया है। अलग 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 आदिवासी, सब लोगों को यहां जगह मिलेगी, सब लोगों को नाचने का मौका मिलेगा, गाने का मौका मिलेगा। अपनी जो हिस्ट्री है, अपना जो कल्चर है, उसको दिखाने का मौका मिलेगा। और अनेकता में से इसी फेस्टिवल में आपको एकता दिखाई दी, आपको दिखेगा कि अनेकता से ही एकता बनती है। अलग अलग लोगों को, आदिवासियों को, उनके कल्चर को देखकर, समझकर, उनकी आवाज को सुनकर ही एकता बनती है। और यही हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़े। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।